दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरा चैनल है निशा मोइटी। इस चैनल के ऊपर 194 के से ज्यादा सब्सक्राइबर है। और यहाँ पे आप देख सकते हो और एक चैनल है न्यूज टीवी। इस चैनल के ऊपर 53 के से ज्यादा सब्सक्राइबर है। तो ये दोनों चैनल को मैंने इसी ट्रिक से ग्रो किया है। दोस्तों अगर आपका एक नया चैनल है और आपके चैनल के ऊपर व्यूज सब्सक्राइबर उस टाइम बहुत ही कम है, तो आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो आपके चैनल के ऊपर व्यूज सब्सक्राइबर वॉच टाइम बहुत बढ़ने लगेगा। मतलब आपका जो ओवरऑल चैनल है वो चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को अच्छी तरीके से फॉलो करे हुए तो आपके चैनल के ऊपर टॉपिक की कमी कभी नहीं होगी। आपको अनलिमिटेड टॉपिक मिलेगा और आप जब चाहो तब वीडियो बना सकते हो और उस वीडियो के ऊपर लाखों व्यूज और सब्सक्राइबर पा सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर के स्क्रीन पर और वहाँ पे जाके आपको सब कुछ समझा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्रोम ब्राउजर पर यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। आप चाहो तो आप अपने मोबाइल से यूट्यूब ऐप ओपन करने के बाद ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों YouTube ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स पर जाना होगा और यहाँ पे आपको आपका जिस कैटेगरी का चैनल है उस कैटेगरी को यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि मेरा चैनल टेक कैटेगरी का है तो मैं यहाँ पे टेक सर्च कर लेता हूँ। तो टेक सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फिल्टर पे जाना होगा और यहाँ पे जो अपलोड डेट है, ड्यूरेशन है, फीचर्स है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना होगा। सिर्फ यहाँ पे टाइप कर जाना होगा और यहाँ पे जाके आपको चैनल सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जिसका सब्सक्राइबर कम है उस चैनल को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना होगा। तो मैं इस चैनल को ओपन कर लेता हूँ टेक हिंट। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियोज पर जाना होगा और वीडियोज पर जाने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्ट वाइप पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको मोस्ट पॉपुलर सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है हाउ टू रिमूव KYC इन धनी ऐप। इस वीडियो के ऊपर 3,17,000 व्यूज है और इस वीडियो के ऊपर 2,86,000 व्यूज है। और इसका जो रिसेंट वीडियो का व्यूज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसका जो रिसेंट वीडियो है उस वीडियो के ऊपर व्यूज आप देख सकते हो 240, 600, 1K, मतलब 1-2 हज़ार व्यूज आ जाता है। लेकिन जो ओ वाला वीडियो था मोस्ट पॉपुलर उस वीडियो के ऊपर इतना व्यूज क्यों आया? क्योंकि ये एक सर्चेबल टॉपिक है और यहाँ पे जितना सारा व्यूअर्स है उसमें से 90% व्यूअर सर्च करके ही आया है। और अगर आप चाहो तो इस टॉपिक पर वीडियो बना सकते हो। आपको टाइटल सेम ही रखना होगा लेकिन आपको अच्छा थंबनेल बनाना होगा। उसके बाद सपोज कि आपका एक फूड का चैनल है तो आपको यहाँ पे सर्च कर लेना होगा फूड। और फूड सर्च करने के बाद सेम प्रोसेस आपको फिल्टर पे जाना होगा और यहाँ पे जाके आपको चैनल सिलेक्ट कर लेना होगा। और यहाँ पे भी आपको उस चैनल को सिलेक्ट करना होगा जिसका सब्सक्राइबर बेस कम है। तो यहाँ पे मैं इस वाले चैनल को सिलेक्ट कर लेता हूँ जर्नी फॉर फूड। और इसका जो रिसेंट वीडियो का व्यूज है वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो रिसेंट वीडियो का व्यूज है वो है 10K, 6K, 9K, 8K। और इस चैनल का मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस है उस वीडियो के ऊपर 11 मिलियन, 8 मिलियन, 8 मिलियन, 2 मिलियन व्यूज है। तो आपको क्या करना होगा, सेम इसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना देना होगा और जो टाइटल है टाइटल को आपको सेम रखना होगा और जो थंबनेल है उसको आपको थोड़ा चेंज कर देना होगा, लेकिन आपको अच्छा थंबनेल बनाना होगा। और अगर आपका गेमिंग चैनल है तो आपको यहाँ पे गेमिंग सर्च कर लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गेमिंग वीडियो। उसके बाद सेम प्रोसेस आपको फिल्टर पर जाना होगा और यहाँ पे आपको चैनल पर जाना होगा और यहाँ पे जो कम सब्सक्राइबर वाला चैनल है उसको आपको ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पे मैं इस वाले चैनल को ओपन कर लेता हूँ साजिद गेमिंग। और इस चैनल का जो रिसेंट वीडियो है उस पर आप देख सकते हो 11K व्यूज है, 3K, 8K ऐसा करके व्यूज है। और इस चैनल का मैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है उस वीडियो के ऊपर 4 लाख से ज्यादा व्यूज है, इस वीडियो के ऊपर 4 लाख व्यू है और इस वीडियो के ऊपर 3.5 लाख व्यूज है। तो आपको क्या करना होगा, इसी तरीके का वीडियो आपको बना लेना होगा और टाइटल आपको सेम रखना होगा लेकिन जो थंबनेल होगा उसको आपको इससे अच्छा बनाना होगा। दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो और अपने चैनल के ऊपर रेगुलर 3-4 महीना काम करते हो तो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और अगर 3-4 महीने के अंदर आपका चैनल ग्रो नहीं होता है तो आपको और भी काम करते रहना है, डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।